नमस्कार, dea.com में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम हर्बल पोटैटो सूप बनाने वाले हैं। ये हमारे स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने का काम करेगा। हम इसे घर में आसानी से बना सकते हैं और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपके बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम बनाने वाले हैं पोटैटो सूप। इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ एक आलू, कुछ इस साइज के। देखिए, एलोवेरा के मैंने दो स्लाइस लिए हैं। देखिए, ये सोप बेस 1 इंच साइज के मैंने ये दो स्लाइस सोप बेस में से कट करके लिए हैं। इसमें मैं यूज करने वाली हूँ विटामिन सी ऑयल का। आपको तो पता ही है कि आलू हमारे स्किन को ब्राइटन और लाइटन करने का काम करता है। ये नेचुरल बीज का भी काम करता है, तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं होममेड पोटैटो सूप। सोप बेस को कट करके लेना है। ये एलोवेरा सोप बेस है, मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया है। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एलोवेरा के भी छोटे छोटे पीस कट करके लेने हैं। स्किन केयर के लिए एलोवेरा बहुत ही यूजफुल है। एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे रिमूव करने में काफ़ी मदद करता है। स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने का काम करता है। नेचर ने हमें दिया हुआ ये वरदान है। अब आलू के भी छोटे छोटे पीस कट करके लेने हैं। डार्क सर्कल रिमूव करने के लिए आलू का हमेशा यूज़ किया जाता है। अब हमें इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके लेना है। अब हमें इसे फिल्टर करके लेना है। इसे ग्राइंड करने के लिए हमने पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। एक सूप के लिए हम 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। अब हम सूप बेस को मेल्ट करने के लिए रख देते हैं। इसके लिए हम डबल बॉयलर का यूज़ करने वाले हैं। इसके पहले मैंने हर्बल सूप बनाया था, तो मैं उसी पॉट का भी यूज़ करने वाली हूँ। देखिए, हमारा सूप बेस मेल्ट हो रहा है। मैंने सोप बेस थोड़ा सा ज़्यादा लिया है अभी, क्योंकि हमारा जो अर्क हमने निकाला है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अब हम 2 सोप बना सकते हैं। मैंने अभी 4 टेबलस्पून अर्क मिलाया है। एक सोप के लिए हमें 2 टेबलस्पून ही यूज़ करना है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। अब हम इसमें विटामिन ई ऑयल की 2 कैप्सूल्स मिलाएंगे। विटामिन ई ऑयल भी हमारे स्किन केयर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। विटामिन ई ऑयल की कैप्स हम यूज़ करने के बाद अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे फेंकिए मत। इसका कैसे रीयूज़ करना है मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिए। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। अब हम इसे मोल्ड में डाल देंगे और ये जो बाकी बचा हुआ है ये मैं इस मोल्ड में डाल देती हूँ। मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। मैं इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ, जिससे ये बबल्स निकल जाते हैं। बस हो गया। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। अब हम इसे सेट करने के लिए रख देते हैं। अब हम पोटैटो सूप को भी इस मोल्ड से बाहर निकाल के देखते हैं। इस सोप बेस में कलर और परफ्यूम मिला हुआ है, तो हमें एक्स्ट्रा परफ्यूम और कलर्स मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सोप बेस में कलर नहीं है तो आप उसमें एक्स्ट्रा कलर मत मिलाइए। अगर आपको पसंद है तो आप इस तरह के लेवेंडर एसेंशियल ऑयल या गुलाब एसेंशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और नेचुरल जो इन्ग्रीडियंट्स का हमने यूज़ किया है, तो उसकी भी खुद की नेचुरल खुशबू इस सोप में आ जाती है। देखिए, इतना प्यारा लग रहा है। वाह, आप कैमरे में देख सकते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत ही इतनी अच्छी शाइनिंग लग रही है इसकी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसके रिजल्ट भी उतने ही प्यारे होंगे। मैंने आपको दिखाने के लिए ये प्लास्टिक के मोल्ड में भी मैंने सोप बनाया है, तो हम उसे भी निकाल के देखते हैं। पहले आप इसे थोड़ा सा इस तरह से ढीला कीजिए, तो निकालने में हमें आसानी होगी। तो ये निकल आएगा।
देखिए, इसे हमने ग्रीस किया था तो उसकी चमक इसमें आ रही है। हमारे इस सोप में हमने बस एलोवेरा जेल का ही यूज़ नहीं किया है, तो पूरी तरह से हमने एलोवेरा को यूज़ किया है, उसकी स्किन भी हमने यूज़ की है जो एंटीबैक्टीरियल होती है। ये पोटैटो सोप हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने का काम करेगा। इसमें हमने एलोवेरा जेल और विटामिन ई ऑयल का भी यूज किया है जो हमारे स्किन को बहुत ही लाभदायक होता है, स्किन केयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल सोप है। तो आप ये सोप जरूर घर में बना के देखिए और इसके रिजल्ट देखिए। आप बाहर के वो महंगे वाले रेडीमेड सोप बिल्कुल नहीं परचेस करेंगे। देखिए, बहुत ही आसानी से हम इसे घर में बना सकते हैं। तो आप अपने लिए थोड़ा सा समय दीजिए और ये हर्बल सोप आप घर में ही बनाइए और इसके बेनिफिट्स ले लीजिए। आपको मोल्ड में दो और सोप दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैंने उन्हें मोल्ड से नहीं निकाला है। मैंने चार अलग अलग तरह के सोप बनाए थे, लेकिन एक ही वीडियो में हम उसे कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो सकती है। तो मैंने ये वीडियो को चार पार्ट में डिवाइड किया है। पहले वीडियो में मैंने हर्बल सोप दिखाया है, तो उसकी वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे जरूर वॉच कीजिए। वो सोप हमारे स्किन केयर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एक्ने, पिंपल्स, ब्लेमिशेज, ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो बहुत मदद करने वाला है, तो आप उसे जरूर वॉच कीजिए। और अब इस वीडियो में मैंने पोटैटो सोप दिखाया है, बाकी के जो दो सोप है तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जरूर बने रहिए, बहुत ही यूजफुल वीडियोस है ये हमारे स्किन केयर के लिए। ये बहुत ही लाभदायक सोप है, होममेड सोप है, तो आप इसे जरूर घर में बना के देखिए और इसके रिजल्ट देखिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो लेकर। आप हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए।